पवन और अनीता ट्रिनिडाड में पहुंच चुके हैं और एक दूसरे के साथ नाश्ता करते दिखाई दिए। ट्रिनिडाड में शो से पहले ही दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते दिखे। अभी तो इनके ये नए शो की शुरुआत है और आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। पवन अरुण ट्रिनिडाड में कहां कहां घूमने जा रहे हैं उन सभी की झलक बहुत जल्द हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए ये पहली फोटो देखिए जिसमें पवन टीम के साथ सुबह सुबह नाश्ता करते दिखाई दे रहे हैं। फोटो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं। टेबल पर नाश्ता रखा और सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, टीम के सभी लोग दिख रहे हैं, लेकिन अरुणिता नहीं दिखाई दी। जी हाँ, क्या फिर से अरुणिता किसी खास वजह से इन फोटोज में शामिल नहीं हो पाई हैं? क्या फिर से अरुणिता को अफेयर्स की झूठी अफवाह का डर लग रहा है? क्या फिर से झूठी अफवाह की वजह से अरुणिता फोटो में शामिल नहीं हुई है? वैसे तो अरुणिता पहले ही बता चुकी है कि वो किसी से डरती नहीं है और पवनदीप अरुणिता का जो रिश्ता है वो सभी को पता है। जब जब इनके अफेयर्स की झूठी अफवाह उड़ती है तब तब अरुणिता पवनदीप की जैकेट पहनकर पोज देती है। अब इस शो में अरुणिता पवन की कौन सी जैकेट पहनकर पोज देने वाली है इसका भी इंतजार किया जा रहा है। ये पोज तो नहीं है, लेकिन ट्रोलर्स को अरुणिता कुछ इस तरह से ही सबक सिखाती हैं। वहीं आपको बता दें पवनदीप के पास अरुणिता तो नहीं दिख रही है, लेकिन इस लड़की ने पवनदीप के साथ पोज देकर अरुणिता की कमी को पूरा कर दिया है। पवनदीप के साथ ये लड़की बहुत फ्रैंक दिख रही है और पवनदीप भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे उनके पास अरुणिता खड़ी है। तो आप पवनदीप की इस फोटो पर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता के कल वाले शो के ढेर सारे पिक्चर्स सामने आ चुके हैं। इन फोटोज के साथ साथ पवन अरुणिता ने अपने फैंस को बड़ी जानकारी भी दी है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होने वाला है। अरुणिता पवन शायली दानिश सुरेनामी में लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए, वहां लोगों के साथ फोटो भी क्लिक करवाए और ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी हो चुके हैं। वहाँ प्रोग्राम निपटाने के बाद पवन अरुणिता ने नेक्स्ट टूर की डिटेल भी दी है। नेक्स्ट प्रोग्राम पवनदीप के यानी उत्तराखंड हल्द्वानी में होने वाला है। पवनदीप अरुणिता ने बताया कि 13 दिसंबर को वो सब तैयार हो जाएं हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी में इनका बड़ा शो होने वाला है और ये शो इसलिए और भी खास है क्योंकि इस शो का जो भी पैसा होगा वो चैरिटी में जाएगा। इसलिए पवन अरुणिता ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये शो देखने पहुंचे और अभी से टिकट बुक हो चुके हैं, जल्दी से टिकट बुक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे चैरिटी के लिए इकट्ठा हो सके। पवन अरुणिता वीडियो में ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी सोकर उठे और इस शो का प्रमोशन करने लगे, क्योंकि पवनदीप अरुणिता विदेश में जरूर है लेकिन इनका ध्यान अपने नेक्स्ट शो पर है। और ये शो पवन अरुणिता के लिए वैसे भी खास है क्योंकि पवन का उत्तराखंड में घर भी है और पहली बार पवन अरुणिता हल्द्वानी में एक साथ शो करने जा रहे हैं। ऐसे में पवन अरुणिता के स्वागत के लिए ढेर सारे लोग तैयारी करने में लग गए और अभी से तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। वेल, आप पवनदीप अरुणिता के इस शो के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुरेनाम से कुछ दिलचस्प फोटो सामने आ चुके हैं जिसमें एक बार फिर पवनदीप अरुणिता के नेचुरल लुक ने सबका दिल जीत लिया। पवनदीप अरुणिता अपना इवेंट निपटाने के बाद आज वहां से चल दिए हैं और वहां के कुछ स्पेशल फोटोज भी सामने आए हैं। वहां वो कुछ लोगों से मिलकर फोटो क्लिक करवाते दिखे। इन फोटोज में अरुणिता कांचला सलवार सूट पहने हैं तो पवनदीप ब्लू टी शर्ट पहनकर अरुणिता के बिल्कुल करीब होकर फोटो शूट करवा रहे हैं। इस बीच यहां पर कुछ ऐसा होता है कि अरुणिता पवनदीप के ऊपर गिरते गिरते बचती हैं। दरअसल हुआ ये कि फोटो क्लिक करवाने के लिए लोग ज्यादा हो जाते हैं, भीड़ इतनी हो जाती है कि कुछ लोग आगे पीछे होने की वजह से गिरने भी लगते हैं। उन्हीं में से एक अरुणिता कांचीलाल भी होती हैं जो सोचती हैं कि थोड़ा सा शिफ्ट होने के लिए आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन जैसे ही वो पीछे होती हैं वो पवन के ऊपर गिर जाती हैं। और अब क्या, पवनदीप ने अरुणिता को एक हाथ से पकड़ लिया और वो गिरते गिरते बच जाती हैं। उन्हें खुशी भी हुई कि अरुणिता उनके पास ही आती हैं। और जब ये सब हो रहा था तो पवनदीप अरुणिता दोनों बहुत हंस भी रहे थे। फोटो में दोनों की हंसी साफ बयां कर रही है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरुणिता के साथ जब भी कुछ ऐसा वैसा होता है तो पवनदीप उनके आसपास उनका काला टीका बनकर उनके करीबी होते हैं और फिर पवनदीप की एक नजर अरुणिता पर ही होती है। वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है वो सब पवनदीप देखते रहते हैं। पवनदीप वाकई बहुत एक्टिव रहते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अरुणिता और अपनी दोस्ती का भी बहुत ख्याल रखते हैं। आप इस जोड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैस पवनदीप अरुणिता जब सुरेनामी पहुंचे तो रास्ते में कुछ चीजें देखते हुए आए जिन्होंने दिल खुश कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश में कहीं भी कोई प्रोग्राम या कुछ भी होता है जिसका प्रमोशन
होर्डिंग के जरिए होता है, रोड पर, हाईवे पर पोस्टर के जरिए किया जाता है। लेकिन सुरिनामी में इस शो का प्रमोशन नए तरीके से होता देखा गया। इस शो के पोस्टर ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे देखे गए। पूरे शहर में जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स थे वहाँ शो के पोस्टर भी लगे दिखाई दिए। और एक खास चीज और भी देखी गई, लोगों को इस शो के लिए जागरूक करते हुए देखा गया। इस शो के लिए एक नई योजना चलाई गई थी जिसमें ये कहा गया कि लोग इन पोस्टर्स के साथ सेल्फी या फोटो क्लिक करें और इन्हीं में से एक को मैग्निफिसेंट 4 के लिए फ्री टिकट मिलेगा। पवनदीप परता ने जब सुरिनामी में ये सब देखा तो दिल खुश हो गया। वहीं आपको बता दें सुरिनामी में काफी ज्यादा लोग इंडियन ही है। इंडियन लोगों के लिए ये शो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी काफी सारे लोगों की भीड़ पवनदीप परता का ये शो देखने आने वाली है। तो आप इस शो के बारे में क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल पवन अरुणता और इनकी पूरी टीम जिस जगह पर दिखाई दिए वहाँ कई सारे कुछ बच्चे अतरंगी कॉस्ट्यूम में दिखाई दिए, बहुत प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन दे रहे थे। और इन्हें देखकर पवनदीप अरुणता बहुत खुश हो रहे थे। कुछ बड़े लोग भी थे जिन्होंने फेस को कवर रखा था। ऐसा लग रहा था कि ये सारे किसी प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं या फिर किसी मॉल में ये सारे लोग घूम रहे हैं। पवन ने इनके साथ कुछ फोटो भी क्लिक किए हैं और उन्हें शेयर भी किया है। फोटो में पवनदीप शायली टीम के लोग नजर आ रहे हैं लेकिन अरुणिता नहीं दिखाई दी। क्या अरुणिता इन सब की फोटो क्लिक कर रही थी या फिर फोटो में जो अलग शख्स दिख रहा है वो कहीं अरुणिता तो नहीं है, क्योंकि इस शख्स को पहचानना बहुत मुश्किल है। शख्स ने अपने फेस को अलग ब्लैक मास्क से खुद को ढक रखा है जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन पवनदीप इनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं, यानी ये कोई और ही शख्स है। फिलहाल अरुणिता फोटो में दिखाई नहीं दी तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, अरुणिता फोटो में क्यों नहीं दिखाई दी, ये बहुत बड़ी वजह है लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो टंपा के मंच पर पवनदीप अरुणिता खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ शो के मैनेजर और काफी सारे लोग भी हैं। एंकर पवनदीप अरुणिता को सम्मान के लिए आगे बुलाते हैं, उनका नाम अनाउंस करते हैं और जब पवन मंच पर पहुंचते हैं तो मंच पर इतने सारे लोग होते हैं कि इन्होंने जो सर्कल शेप बनाया हुआ होता है उसमें कुछ लोग शामिल नहीं हो पाते क्योंकि भीड़ काफी होती है। पवन सबको देखते हुए और अपनी अरुणिता को देखते हुए उस सर्कल से निकलकर पीछे की तरफ चले जाते हैं ताकि अरुणिता वहां पर ठीक से खड़ी हो सके। पवनदीप फिर देखते हैं कि जगह हो गई है और वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अरुणिता के पास खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से उन्हें जगह नहीं मिलती और वो पीछे चले जाते हैं। वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अरुणिता की नजर उन पर नहीं जा पाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पवनदीप उनके पास ही खड़े हैं। जब अरुणिता पवनदीप का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो देखती है कि पवनदीप वहां होते ही नहीं है। अरुणिता फौरन पवनदीप के लिए स्पेस करती है और कहती है कि तुम वहां क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। अरुणिता के बोलते ही पवन एक झटके में उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब पवनदीप का ये क्यूट अंदाज बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा लग रहा कि पवनदीप अरुणिता के इंतजार में ही खड़े थे। इतनी कम उम्र में पवनदीप वाकई बहुत समझदार हैं और टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। आप क्या सोच रहे हैं पवनदीप के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।